Hello my besties, welcome and welcome back. I am Lavi and this is my channel That Girl In Town. So say hello to the wind. Hello. Say hello. Hello. हेलो तो आज ये भी हमारे साथ ना वीडियो में रहने वाला है तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे जो है झेल लेना. सो एज अ टाइटल सजेस्ट ये वीडियो होने वाली है अमेजोन ऑर्गेनाइज़र की. मैंने ना वहाँ से कुछ ऑर्गेनाइजर्स परचेस किए हैं, कुछ मैंने अपनी किचन के लिए किया है एंड कुछ फॉर लिविंग रूम. सो या विदाउट एनी फर्दर बकवास लेट्स क्विकली डिग इनटू द वीडियो और देख लेते हैं मैंने क्या क्या वहाँ से परचेस किया है. फर्स्ट मैंने परचेस किया है वो ये कि है एक प्लेट स्टैंड और प्लेट एंड लिड स्टैंड, स्टेनलेस स्टील बोला हुआ है इन्होंने इसको. और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 205. तो मुझे ना कुछ इस टाइप से रिसीव हुआ है, तो कुछ इस टाइप से अंदर से मुझे रिसीव हुआ है. और ना ये प्रॉपर सिर्फ एक स्टैंड ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास सा. तो ये इस टाइप से स्टैंड है. तो इसमें ना आपको अलग अलग कंपार्टमेंट दी हुई हैं, आपको ना इसमें अच्छे से आप अपनी जो प्लेट्स हैं वो मैनेज कर सकते हैं, इवन जो लिड्स एंड ऑल होती हैं वो भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. तो मटेरियल इसका मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्टर्डी है, ऐसा नहीं है कि हाँ 205 रुपीज़ का है तो नॉर्मल साइज का जो क्वालिटी हो वो ऐसी नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है. तो फटाफट से ना मैं आपको इसमें प्लेट्स ऑर्गेनाइज़ करके दिखा देती हूँ कि ये ऑर्गेनाइज करने के बाद जो है कैसा लग रहा है. स्किन प्रैक के लिए मैं बता दूँ, आई यूज़ टू ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ दिनों से ना एक्ने की प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मैंने देखा है लोगों को ना बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं और एक्ने मार्क्स भी होते हैं और वो डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बट उनके ना स्किन पे वो वर्क नहीं कर पाते. बट दिस डर्माको सैलिसिलामाइड रेंज इज़ अमेजिंग फॉर एक्नेज. इफ़ यू हैव एक्टिव एक्ने और एक्ने मार्क, दिस वर्क अमेजिंग ऑन योर स्किन. तो फर्स्ट वी हैव देयर सैलिसिलामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश. इसके अंदर दो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 2% नायासिनमाइड. दिस हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस ऑयल, कंट्रोल ब्रेकआउट, अनक्लॉग योर पोर्स एंड फेड अवे एक्ने मार्क्स लाइक अ प्रो. नेक्स्ट वी हैव देयर सैलिसिलामाइड एंटी एक्ने सीरम. इसके अंदर भी दो एक्टिव्स का कॉम्बिनेशन है लाइक 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 5% नायासिनमाइड, विच नॉट जस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्ने बट ऑल्सो ट्रीट एक्ने मार्क्स साइमल्टेनियसली. दिस सीरम इज ऑल्सो पावर पैक विद एनकैप्सुलेट salicylic acid that control active acne and acne mark like a pro. Aur iske baad I use my favorite 1% hyaluronic acid aqua gel that has power of SPF 50 and PA plus 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 formulation. So these two products are amazing to treat acne and acne marks. These are available on Amazon, Nykaa, Flipkart and Dermacookie website. Use my coupon code to get some amazing discount on Dermacookie website. Aur inka link jo hai description box mein maine mention kar diya hai, to make sure ki aap description box zarur check kare. To jab bhi aap Dermaco se koi bhi product purchase karte hain, wo aapke order ko link kar dete hain ek child se jiski wo padhai mein madad kar rahe hain with the help of Bhumi, aur unhone pledge kiya hai ki wo is saal ke ant tak 10,000 plus student ko help karenge. So what else you need? Aapke paise good cause pe bhi ja rahe hain and you also getting a best treatment for your acne. So make sure ki aap description box zarur check kare and all the products by Dermaco are fragrance free. Next jo product hai wo bhi maine apni kitchen ke liye hi mangwaya hai aur ye hai inka stainless steel kitchen dish rack. Kuch is type se ye dikh raha hai और ये मुझे इस टाइप से ऐसे बॉक्स में रिसीव हुआ है. इसमें ना पैक ऑफ टू आती है रैक्स और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 333 रुपीज़. तो अंदर से ना आपको कुछ इस टाइप से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी जो प्रॉपर यू नो छोटे से स्टूल टाइप होता है ना, तो उस टाइप से है ये. तो क्या होता है जैसे आपके जो किचन में जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, ऑर्गेनाइजर नहीं जो कबर्ड्स होती हैं, वो क्या होता है काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और जब उसमें आप डब्बे रख लेते हो ना तो ऊपर का स्पेस तो खाली रहता है बट नीचे काफ़ी सारे डब्बे आ जाते हैं. तो इसलिए मैंने मंगवाया कि लाइक मैं इसको ऐसे अपनी जो कबर्ड है उसमें ऐसे रख दूँ और मैं नीचे भी इसके सामान रख सकूँ एंड ऊपर भी इसके सामान रख सकूँ. तो इसका भी जो मटेरियल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है. इसमें ना आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे थे, मतलब जैसे यहाँ पर तो सिर्फ लाइन लाइन करके है और इन लाइन्स के बीच में काफ़ी स्पेस है. एक आपको मिल रहा था जिसमें पूरा जाल है तो वो भी मिल रहा था बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि हाँ ठीक है उसकी कोई ज़रूरत है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, इससे मेरा काम चल जाएगा. तो मैंने ना ये मंगवाया, ये दो आए हैं इसमें. तो एक का हिसाब देखें तो अगर 160 रुपीज़ के आसपास है तो ठीक है उस हिसाब से. इसमें ना आपको इनके नीचे लगाने के लिए ना यहाँ पर, क्योंकि ये ना काफ़ी शार्प है तो यहाँ पर लगाने के लिए इन्होंने एक स्टड टाइप दिया हुआ है जिससे कि ये काफ़ी रबड़ स्टड है तो ये ना कहीं निशान वगैरह भी नहीं करेगा और आपको चोट भी नहीं लगाएगा.
तो लाइक दिस, तो थ्री रुपीज़ यानी 333 रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी क्वालिटी, और कबर्ड ऑर्गेनाइज करने के हिसाब से तो ये मुझे अच्छा लगा। तो अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइज करके कि हाँ जैसे इन्होंने बोला हुआ है, ये जो मैंने सोच के मंगवाया था वो जो काम है वो जस्टिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ओके मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट, वो मुझे कुछ इस टाइप से रिसीव हुआ और अभी मैंने ये खोल के नहीं देखा है कि इसमें क्या है। वाओ लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। तो ये ना एक इसको एज ए मतलब ऑर्गेनाइजर है, ये भी मैंने अपने लिविंग रूम के लिए मंगवाई है। ये दिस इज़ हैंडीक्राफ्ट वूवन फ्लोरल पॉट बैग, जो पॉट होते हैं ना लाइक जो आपके गमले होते हैं उनको रखने के लिए ना ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो ये ना स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ ऐसा दिख रहा था, और इसका जो प्राइस था दैट इज़ 299 रुपीज़, और इसका जो साइज़ उन्होंने बोला हुआ है 11 इंच। तो हाँ ठीक है साइज़, इसमें दोनों तरफ से ना आपको पकड़ने के लिए इस टाइप से हैंडल है। थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, मतलब वहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा लाइट लग रहा था और जो इन पर्सन आया है वो थोड़ा सा डार्क है, बट इट्स ओके। जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है होपफुली वो आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब तो जो उसका प्राइस है दैट इज़ 299 रुपीज़, यानी 300 के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप ना अगर इसमें अपना पॉप फ्लावर पॉट नहीं रखना चाह रहे हैं, लाइक गमले वगैरह नहीं रखना चाह रहे हैं, तो आप इसे एज ए ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप अपने सोफे के साइड में रख के इसमें जो भी आपको थोड़ा बहुत सामान रखना है लाइक सोफा थ्रोन एंड ऑल, आप वो भी इसमें अच्छे से रख सकते हैं। तो आप इसको मल्टी वे में यूज़ कर सकते हैं, और ना ये रखा हुआ भी ना आपके घर में बहुत प्यारा लगता है। तो ये मैंने अपने लिविंग रूम के लिए मंगाया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें प्लांट रख के ना कैसा लग रहा है। I will run, run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it, all alone. Okay, moving to the next product, वो भी अभी पैक है, ये भी मैंने खोल के नहीं देखा है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर मतलब बहुत सारे सामान मंगवाए हैं अमेज़ॉन से, कुछ मेरे पास आ गए हैं तो मैंने मुझे लगा जितने आ गए हैं पहले उतने की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। ओके तो ये कुछ इस टाइप से है। ओके सो दिस इज़ अ बकेट सॉर्ट ऑफ, यानी जो लॉन्ड्री बैग्स होते हैं ना वो कुछ इस टाइप का है ये, और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 689 रुपीज़। और इसमें ना आपको 3-4 कलर ऑप्शन मिलेंगे, बट मुझे बेज कलर चाहिए था क्योंकि मेरे घर के एस्थेटिक से बेज ही थोड़ा मैच होता है। इसलिए ना इसमें आप बहुत कुछ रख सकते हैं लाइक टॉयज़ है ना, और इसमें मतलब काफ़ी कुछ आप रख सकते हैं। इसमें ना आपको इस टाइप से एक अलग से जो है लिड मिलेगी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा इसे मंगा लेते हैं। जैसे मुझे स्क्रीन पे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा था, उस हिसाब से मुझे इसका साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है। एल्स इसकी भी क्वालिटी उतनी ही अमेजिंग है जितने की हमने वो जो दूसरा वाला मंगाया था, उस ही हिसाब से इसकी भी क्वालिटी है। इसमें ना साइड से आपको टू पकड़ने के लिए इस टाइप से हैंडल्स मिल जाएंगे, आप आराम से इसको इजिली पकड़ सकते हैं। साइज़ अंदर से तो ये काफ़ी बड़ा है, बट थोड़ा सा अगर ये लेंथ में भी बड़ा होता तो मज़ा आ जाता, बट एल्स दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो ये मैंने मंगवाया है दवेन के टॉयज़ रखने के लिए, क्योंकि दवेन के टॉयज़ जो सारी तरफ फैले रहते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ और हम क्या करते थे अभी तक ना कार्डबोर्ड वगैरह में रखते थे, तो मतलब थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, तो इसलिए मुझे लगा मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ। और इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी पसंद आई, तो अब देख लेते हैं कि ये इसके अंदर सामान रखने के बाद ये कैसा होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल, और जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से इतने से बड़े बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ना मतलब ट्रे जो होती हैं रोटेटिंग वाली 360 रोटेटिंग वाली ट्रे है, और इसका जो प्राइस है दैट इज़ मात्र 99 रुपीज़। तो मुझे लगा एक मंगा के देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आएगी। तो ये कुछ इस टाइप से रिसीव हुआ है, एंड दिस इज नाइस, बट इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हल्की वाली है,
तो जैसे 99 रुपीस का प्रोडक्ट है उस हिसाब से उसकी क्वालिटी दिख रही है, बट ये वर्क सही कर रहा है, ये ठीक है, अच्छे से घूम रहा है। आप इसमें थोड़ा प्रोडक्ट रख के आप इसको घुमा के देख सकते हैं। ओनली थिंग इज प्लास्टिक क्वालिटी इज़ वेरी चीप, बहुत जल्दी जो है टूट जाएगा। तो 99 रुपीस के हिसाब से देखो तो इसकी क्वालिटी ऐसी होनी थी। मैंने इसमें ना थोड़ा एक्सपेंसिव वाला भी मंगवाया, लाइक 260 और 270 रुपीस वाला भी मंगवाया, बट वो अभी तक आया ही नहीं, लाइक उसको एक हफ्ता हो गया, अभी और डिले दिखा रहा है, लाइक 2-3 दिन और लगेंगे उसको आने के लिए। तो जब वो आ जाएगा तो मैं इन दोनों में आपको कंपेयर करके दिखा दूंगी। ओनली थिंग इज की प्लास्टिक क्वालिटी एलसी मुझे सही लगा, तो अब इसमें प्रोडक्ट रख के देख लेते हैं कि सही में जब इस पे ऊपर से वजन रखा जाएगा तो ये ठीक से वर्क करेगा या नहीं। ऑल फॉर टुडेज हॉल, आप होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अमेजोन से और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं, इफ़ यू वॉन्ट कि मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मतलब दिस इज़ द ऑर्गेनाइजिंग थिंग, और एक दो ऑर्गेनाइजर्स और भी हैं जो रह गए हैं, बट उनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो आई थॉट कि यही बना लेते हैं। बट और भी मैंने काफ़ी सारी डेकोरेटिव, होम डेकोरेटिव और काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं, तो इफ़ यू वॉन्ट तो मैं फिर से बनाऊंगी, बट कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो इन सबके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको इनमें से कोई सा भी पसंद आ रहा है तो आप परचेस कर सकते हैं। तो ओनली थिंग इसकी थोड़ी सी क्वालिटी हल्की है, बट 99 रुपीज़ में और क्या चाहिए। बाकी एल्स जो भी बाकी चार चीज़ें हैं ना, उनकी क्वालिटी बहुत ही गजब की है। अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो आप उनको जो है आराम से बाय कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है, एंड ट्रस्ट मी ये ऑर्गेनाइजर ना सच में आपके काम आने वाले हैं। सो यार, दिस इज ऑल फॉर टुडेज हॉल, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट कर देना प्लीज़, और मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको अगर इस टाइप का कॉन्टेंट पसंद आता है। तो यार गाइज, मिलती हूँ मैं अपनी नई वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, नमस्ते।